हेलो दोस्तों, टेक्नो राजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में बात करने वाला हूँ। भाई, ये जो ग्रीन स्क्रीन होती है उसका कलर ग्रीन ही क्यों होता है? जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उनके पास एक ग्रीन स्क्रीन होती है, एक ग्रीन कलर का क्लॉथ होता है जिसको बैकग्राउंड में रखा जाता है, जिसके आगे खड़े होकर वीडियो बनाई जाती है। वो बाद में या तो पोस्ट प्रोसेसिंग में उस ग्रीन बैकग्राउंड को हटाकर कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सवाल ये आता है कि इसका कलर ग्रीन ही क्यों होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर टैप करें और ऑल पर क्लिक करें। तो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड का कलर ग्रीन है या और कुछ है, लेकिन ये ग्रीन इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी या फिर और कोई सब्जेक्ट होता है हमारे बॉडी का, उसका जो स्किन टोन है या जो लाइट है जो ग्रीन कलर से मैच नहीं हो रही है, तो ग्रीन कलर से मैच नहीं हो रही है तो डिफरेंट है, तो पीछे का बैकग्राउंड हटाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आपने देखा होगा, जब भी ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट किया जाता है तो कोई भी इंसान ग्रीन कलर के कपड़े नहीं पहनता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनेगा तो वो भी साथ में गायब हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर को वहाँ से हटा रहे हैं। आपका कपड़ा ग्रीन है, बैकग्राउंड ग्रीन है, तो सिस्टम को डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि आपका कपड़ा कौन से कलर का है और कौन सा कलर बैकग्राउंड में है और किसको हटाना है। ऐसे में सिर्फ आपका सिर ही दिखाई देगा, आपका चेहरा ही दिखाई देगा, आपका फेस नज़र आएगा और बॉडी जहाँ पे आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, बहुत से मॉन्स्टर्स या सुपर हीरोज हैं जिनके स्किन का कलर ग्रीन होता है, जैसे कि हल्क ले लीजिए, ऐसे केस में उनको ब्लू स्क्रीन के आगे शूट किया जाता है। जी हाँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर के स्क्रीन पीछे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो किसी पर्सन के स्किन टोन के साथ मैच नहीं करता हो। अगर किसी इंसान को ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट करना है और उसको अपने कपड़े का कलर ग्रीन ही रखना है तो अपना बैकग्राउंड ग्रीन नहीं रखेगा। अगर बैकग्राउंड हटाना है तो उसे ब्लू स्क्रीन पे शूट करना होगा। अगर ब्लू कलर का उसने कपड़ा पहना हुआ है तो रेड के आगे शूट करेगा। तो अलग अलग कलर के साथ करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पीछे का कलर ग्रीन ही हो, कोई भी कलर हो सकता है, बट वो आपके स्किन टोन के साथ मैच नहीं करता हो। ये एक थ्योरी है जो ग्रीन स्क्रीन में काम आती है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट्स के कलर जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होता है, वो ग्रीन कलर से मैच नहीं करती है। तो दोस्तों, आपको पता है जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी बड़े बड़े सेट हैं, देखते हो आप न्यूज़ में, जो पीछे का जो बैकग्राउंड आप देखते हैं वो असल में इतना बड़ा स्टूडियो नहीं होता है, वो ग्रीन कलर का स्क्रीन होता है और उसके आगे बैठकर वो शूट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये होती है, इसमें क्रोमा की यूज़ किया जाता है। तो मैं आगे आपको अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा कि ये क्रोमा की क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टेक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।